नमस्कार बारवाटी धौली एक्सप्रेस सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। राजधानी में लगातार कमुच संक्रमण प्रेसमिट करी बीएमसी कमिश्नर को सूचना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं लॉन्च है आप ऑनलाइन ऑर्डर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घरे पहुंचाइबो बीएमसी विलंबरे हेले भी भांगी निद तृतीय लहर आगरु कोरोना मुकाबला पई प्रस्तुत है कटक शिशु भवन अनेपटे सचेतनता ही मुख्य अस्त्र बोली कहले जिलापाल अपराधी को पई भुवनेश्वर झारपड़ा जेल पलटि क्राइम आड्डा मोबाइल ऑपरेट होउछि क्राइम नेटवर्क मिली भगत रे बढ़ी चली अपराधिक साम्राज्य सेपटे सबू जानी चुप जेल डीजी ऑपरेशन 224 को बड़ सफलता सात वर्ष तल दुष्कर्म अभियुक्त को धरला स्पेशल स्क्वाड राति अध्याय चढ़ाऊ पर ओडोगा अंचल गिरफ है अभियुक्त आज हूँ अंतर्जातीय परिवेश दिवस विश्व परिवेश दिवस में वृक्षरोपण करिवार संकल्प यह दिवस को नियारा ढंग से पाले वुड फायर ऑनलाइन फूड डेलीवरी संस्था देखा संपूर्ण खबर कोरोना स्थिति ने बीएमसी कमिश्नर का प्रेसमिट राजधानी में लॉकडाउन सटडाउन सुफल देखा मिली दैनिक संक्रमण संख्यार लगातार भाव ह्रास घटू कि अमानिया एवं भी लॉकडाउन सटडाउन नियम मानुना आउ किद समस्त लॉकडाउन सटडाउन नियम मानवाक पड़ प्रतिदिन राजधानी में 2000 अधिक कोविड बेड खाली रोचे से 75 अधिक आईसीयू बेड खाली रोचे कोविड बेड अभाव को नहीं कहीं चिंतित होगा उचित नुहे बीएमसी पक्षरु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने आप लॉन्च करा दीछे आप माध्यम रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं पारे कोविड आक्रांत आप माध्यम रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घरे पहुंचाइबो बीएमसी बीएमसी पक्षरु राजधानी विभिन्न स्थान रे टेस्टिंग ट्रैकिंग प्रक्रिया जारी रही है राजधानी में मोट 857,330 डोज दि सर 4-6 सप्ताह मध्य द्वितीय डोज टीका जोगाई दिज्व विभिन्न महल रु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रो डिमांड होची वर्तमान राज्य सरकार सबु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जोगे दे छंती एवं पर्टिकुलरली जदि आमे भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिवा तो राज्य सरकार आमको 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोगे दे छंती एवं तापाई आमे गोटे ऐप मध्य डेवलप करिछु से ऐप माध्यम रे लोक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुक करी परिवे एवं तांको घरे आमे नहीं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टा पहुँचे देबू ता सहित से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की परी भाव रे से मैंने यूज करी परिवे तार गोटे लीफलेट मध्य आमे दे परिबू एवं जो मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज करी परिवे से ऐप माध्यम रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रो बुकिंग करी परिवे बीएमसी तरफ रु आपनको घरे से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोगे दिया जीवो परीक्षा बातिल परे एबे रिजल्ट नै द्वंद मुख्यमंत्री का निर्देश क्रमे 15 दिन भितरे विशेषज्ञ कमिटी गठन हेबो बोली कहिसेंती गणशिक्षा मंत्री समीर दास सीबीएसई पॉलिसी को अनुध्यान करी कमिटी सदस्य माने तर्जमा करिवे एहा पर निष्पत्ति हेबो जे केउ आधार रे मार्क दिया जीवो फल प्रकाश करा जीवो सीबीएसई एवं आईसीएसई रिजल्ट जेउ समय रे बाहरिबो आमे मध्य से ही समय रिजल्ट प्रकाश करिवु राज्य छात्र छात्री माने जेमिति असुविधार सम्मुखीन न होंती सेथि प्रति गुरुत्व दियाजो बोली कहिछंती या भितर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट मध्य कहिसारि सीबीएसई को आईसीएसई को कहिसारि जे 15 दिन भितर लाइक कोपुर भाव रे मूल्यायन करबा ताकु आम विशेषज्ञ कमिटी मध्य ताकु मध्य अवलोकन करिवो कोन कोन अन्य माने कर कर्तव्य हो विशेषज्ञ कमिटी रो जो नीति निर्धारण कर अनुसार आशा करवा 15 दिन तो माननीय सुप्रीम कोर्ट दे विशेषज्ञ कमिटी निश्चित बढ़ाई से संपर्क में निष्पत्ति प्रकार किए निर्दिष्ट भाव में एग्रेट करना ठीक हम ना खाली माननीय मुख्यमंत्री तो अलरेडी निर्देश दे सारी तेनाली विशेषज्ञ कमिटी के संपर्क में विलंबर हेले मध्ये भांगी निद कटक शिशु भवन एवं करोनार तृतीय लहर को नहीं तप्तर खासकर तृतीय लहर में अधिक शिशु आक्रांत होवार संभावना रही है तेणु तृतीय लहर आसवा पूर्व यार मुकाबला
राज्यर एकमात्र शिशु भवन को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल रे परिणत कराजबा पई प्रस्तुति आरंभ करिछि जिला स्वास्थ्य विभाग। अनेपटे सचेतनता ही कोरोना लड़ाई रा मुख्य अस्त्र हेबो बोली जिलापाल कहिछन्ति। विलंबरे हेले मध्य भांगिछि नीत। राज्यर एकमात्र शिशु रोग चिकित्सा केन्द्र शिशु भवन संपूर्ण कोविड हॉस्पिटल रे परिणत हेबो। करोनार तृतीय लहर में शिशु मान आक्रांत होबार संभावना को देखि एभली किछि निष्पत्ति नेछि कटक जिला स्वास्थ्य विभाग। एथिसहित अन्य दुईटी घरोई शिशु चिकित्सा मेडिकल को मध्य कोविड हॉस्पिटल रे परिणत कराजबा पई प्रस्तुति चलिथिबा एडीएमओ कहिछन्ति। द्वितीय लहर जेतिकि चिंता बढ़ाइथिला आगक तृतीय लहर किपरि रहिबो से नै विशेषज्ञ माने आकलन करिबा सहित स्वतंत्र ध्यान मध्य रखिछन्ति। तृतीय लहर जदि काया विस्तार करे तबे अधिक शिशु मानको प्रभावित करिवार संभावना रहितबा अनुमान करिछन्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तेणु करोनार तृतीय लहर पूर्वरु एबे सजाग होई जाइछि जिला स्वास्थ्य विभाग। आसंता तीन मास भितर तृतीय लहर पई समस्त प्रस्तुत शेष हेबो बोली कहिछन्ति एडीएमओ। सेबे द्वितीय लहरर स्थिति कटकरे धीरे धीरे संक्रमण कमिथिले सुधा आग स्थिति को देखि कटकरे आउ दुईटी घरोई मेडिकल को कोविड हॉस्पिटल करा जाइछि। तास एससीबी एवं अन्य घरोई दुई मेडिकल रे 60 आईसीयू बेड वृद्धि करा जाइछि बोली सूचना देइछन्ती एडीएमओ। आउ दुईटा हॉस्पिटल एबे काली इंट्रोड्यूस करिछु, गोटे तो काली टू स्टार्ट हे गेला मीडिया रे हॉस्पिटल, आउ गोटे जिमसार जोटा आठगढ़ रे अछि सेटा रूरल बेल्ट को हमर जोटा पेशेंट्स रिसीव करिवो सेटा हमें पाखा पाखे आउ 5-7 दिन भितर सेटा भी मध्य आरंभ करछु। थर्ड वेव पई हमर ग्रेजुअली हमें अबका दीटी हॉस्पिटल नेलुनी जोटा को हमें पेडियाट्रिक हॉस्पिटल करिवो बोली भाबिछु। शिशु भवन टा कंप्लीटली कोविड पई डेडिकेटेड हबो आउ तापरे एससीबी रे भी जो हमर प्रिया शिशु विभाग अछि सेथरे हमें नॉन कोविड पेशेंट नै कि एपटे कोविड पेशेंट नबा पई प्राय हमें 2-3 मास भितर हमको लागु जे 3 मास मैक्सिमम भितर हमें रेडी हे जो विथ 6-7टा कोविड हॉस्पिटल। कोरोना रो प्रथम लहर तुलना रे द्वितीय लहर अधिक घातक रहितला। सहरांचल ओ ग्रामांचल रे कोरोना संक्रमण संख्या वृद्धि जिला प्रशासन पई चिंता बढ़ाइथिला। मुकाबला पई अनेक किछि पदक्षेप नेबा परे 20% रु एबे धीरे धीरे संक्रमण हार कमिबार लागुछे। तेणु आगामी तृतीय लहर पई प्रतिटी लोकंक सचेतनता आवश्यकता रहितबा बेले साधारण लोकंक सहयोग रे ही लढै संभव बोली कहिछन्ती जिलापाल। आपण माने जाने कि आश्वस्त हेबे जे वर्तमान आमर 1900 रु ऊर्ध जो गाँ अछि कटक जिल्ला रे सेतिरु हजारे रु ऊर्ध गाँ रे वर्तमान सुधा भी सेगुडी को आमे ग्रीन जोन कहुछु, कारण विगत 10 दिन भितरे ताकु कोविड आसी नाही। प्राय 1100 गाँ एभली भाव में रही 600 रु ऊर्ध गाँव में सेकेंड वेव जमा पशिनी। सो सेटार रिजन है जो जगार लोक जो साधारण लोक मैंने सचेतन एवं से माने नजर दे गाँव को कोविड पशि पार ना लोक मान जोटा निजर दायित्व रही निज जीवन बचेबार दायित्व गोटे लोकर निजर मौलिक अधिकार सी निजे से सचेतन हवा दरकार। तृतीय लहर आसिबा पूर्वरु जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुति सारी मात्र लोक सचेतन हेले आमे तृतीय लहर को दूरेई परिबा। कटकरु कैमरा पर्सन सुब्रत विश्वजीत दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बारवाटी धौली एक्सप्रेस रे वर्तमान समय को ब्रेक रहो। स्वागत। भुवनेश्वर झारपड़ा जेल एवं पलटि क्राइम अड्डा। जेल भितर मोबाइल रे ऑपरेट होउछि क्राइम नेटवर्क। अपराधी और जेल कर्मचारी मिली भगत रे बढ़ुछि अपराध साम्राज्य। सबु जानी चुप जेल डीजे ना को मात्र रेड होउछि हेले अपराधी हाथ में रहुछि मोबाइल आउ सेठी जमुछि गंजेर आसर। देखंत रिपोर्ट। जेल भितरे डॉन रो दरबार मोबाइल रे हेउछि क्राइम कंट्रोल। सबु जानी चुप जेल विभाग। कैदी को मुकुला छाड़ी दे कौन करुछंती जेल डीजी। बड़ बड़िया को छाड़ तल तलिया को मार। भुवनेश्वर रो झारपड़ा स्पेशल जेल कुहा जाए सबुठारु अधिक सुरक्षा व्यवस्था एई जेल रे। हेले गला किछि मासर विजुअल कहुछि ये जेल ना होटेल।
ଏଠି ଅଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଏଦୀ, ଧର୍ଯ୍ୟା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଡର ଆଉ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାମ ତମାମ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମିଳିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ସହିତ ଜଣେ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ କେମିତି ଗଲା, ନା ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେଲା ନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଯେକୌଣସି ଜେଲ୍ର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାୟ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯାଏ। ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ତ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହେ, ମନି ମସଲ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରିଜନର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାହାରେ ଡରେଇ ପାରିବେ, ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡରେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଡରେଇ ପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସହଜ ହେବ ଯଦି ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ରଖାଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ରିଫର୍ମେସନ୍ କରିବୁ, କରେକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିବୁ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖୋଲିବୁ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲର୍ ଦେବୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବୁ, କଲର୍ ଟିଭି ଦେବୁ, ଅଦର୍ ସାଇଡ଼୍ କହିବେ ନାଇଁ ଏମାନେ ଛିଙ୍କିବେନି, କାଶିବେନି, ବିଡ଼ିଟେ ଟାଣିବେନି, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବେନି, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି କେମିତି, ଗଞ୍ଜେଇ କିଏ ପଠାଉଛି କେମିତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଜେଲ୍ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି କି? ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ସାଣ୍ଠ ଗାଣ୍ଠରେ ଚାଲିଛି କି ଅପରାଧର ସିଣ୍ଡିକେଟ? ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ମୋବାଇଲ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ କଏଦୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଜେଲର ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଥର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ କହି ନିଜେ ଡିଜି କାଇଁ କଥା ଏଡ଼ାଉଥିଲେ? ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା CCTV ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି CCTVକୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଇଛି। ଜେଲ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ, ତାଦ୍ୱାରା କି ଭିତରେ ଚେକିଂଟା ମାନେ ଦୃଢ଼ତର ହେବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାରଲି କରାଯିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଜେଲ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କରିତକର୍ମା ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ହାଇଦର ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବି ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାନି, ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ସୁବିଧାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। 7 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2014ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ବେଳେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ 224ରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଫେରାରି ଅପରାଧୀ। ଦେଖିବା କେମିତି ଥିଲା ପୋଲିସର ଅପରେସନ 224। ଅପରେସନ 224କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲା 7 ବର୍ଷ ତଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରାତି ଅଧ୍ୟାୟ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। 13 ଫେବୃଆରୀ 2014 ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରୁ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନୟାଗଡ଼ କଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ 4 ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ 14 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ପରେ 9 ଡିସେମ୍ବର 2014ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ସମୟରେ କୋର୍ଟରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ସାହୁ। ଶୁକ୍ରବାର ନୟାଗଡ଼ର ଓଡ଼ଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାସ୍କରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଗଲା 3 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ଏସ୍କେପ୍ କରିଥିବା ମୁଦଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଛୁ। ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ 2014 ମସିହାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କେସ୍ର ଜଣେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଭାସ୍କର ସାହୁ ସେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଇଥିଲେ 9/12/2014ରେ, ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଫେରାର ଥିଲେ। ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ଏସ୍କେପ୍ କଲାବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବାହାରେ ଯାଇକରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ।
बट लॉकडाउन टाइम रे ये आसिकी घरे थिबार खबर पाइला परे हमें जो स्पेशल ड्राइव आरंभ करथले से स्पेशल ड्राइव क्रम रे तांको एबे अरेस्ट कराई पुलिस किबा कोर्ट रु फेरार अभियुक्तन को धरिबा पई कमिश्नर पुलिस आरंभ करिछि ऑपरेशन 224 पुलिस कमिश्नर ओ डीसीपी को तत्वावधान रे स्पेशल स्क्वाड को एई ऑपरेशन दायित्व दिया जाइछि जेउथिरे गत सप्ताह क भितरे दुई अभियुक्तन को गिरफ्तार करा जाइछि पुलिस हेफाजत रे एमिति फेरार होइतबा अनेक अभियुक्तन को तालिका प्रस्तुत होइछि आ एमानन को गिरफ्तार पई जाल बिछाइछि पुलिस भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रवि नारायण को सह रोशन रथन को रिपोर्ट अर्गस न्यूज बुलेटिन समय छ आउ एक ब्रेक रो पुणे स्वागत कटक एसीबी मेडिकल रे पुणी देखिवा को मिली छे एक अभावनीय घटना मेडिकल रा डिस्ट्रिक्ट वार्ड रो रोगी वार्ड बाहर को चली जाउछंती तीन दिन धरे फेरार होई जाउछंती रोगी हे मेडिकल कर्तृपक्ष बा वार्ड रे कार्य करथुबा कर्मचारी कर पाखरे कोनोसी खबर नहीं असहाय रोगी को ना खोजा जाउछि ना किछि खबर अछि मेडिकल कर्तृपक्ष को पाखरे ए रोगी को वयस पाखापाखी 70 वर्ष हेबो वृद्ध जनक किछि दिन हेबो एसीबी असहाय रोगी वार्ड रे चिकित्सित होतिले गत तीन दिन तले से वार्ड रु चली चली पलि आसी आज तांकू कटक नेताजी नगर निकट में किसी स्थानीय लोके चली चली बुलूबार देखिथिले और समाजसेवी अभिमन्यु को खबर देते अभिमन्यु खबर पाई सेठे पहुंची और असहाय वृद्ध को निज गाड़ी में बसई पुणी एसीबी मेडिकल असहाय वार्ड में नहीं भर्ती करते मात्र एठार प्रश्न उठू असहाय रोगी हजार हजार टंका खर्च कर रोगी कर्मचारी नियोजित करापर रोगी बेड्रु उठिक पलि आसुंच तबे कर्मचारी किभली जानी पारु नहांती एवं सिक्युरिटी व्यवस्था केते ढिला ताहा ए घटनारु प्रमाणित होछे एक्चुअली प्रॉब्लम होछे हमर अटेंडेंस बहुत अभाव रहूछे जो 40 जन पेशेंट रे को मात्र दुटी दुटी जो दउचंदी सेरा पई हमर मैक्सिमम प्रॉब्लम होछे अटेंडेंस प्रॉब्लम सिक्युरिटी व्यवस्था त संपूर्ण ढिला कहींना वार्ड रु जड़े जड़े लोक आज गोटे जड़े नु बहुत लोग भी आसुच्चे प्रेस चक्र जना पड़ा गोटे इश्यू होपर मैंने आसिकी कभर करूँ ये आम प्रेस चक्र किसी लोक मत फोन कले कि गोटे बुढ़ाटी गामछा पिंधिक अच्छी आम आस देखिल देखिले जान ली गोटे डेस्टिच्यूट पेसेंट तापर मुझे प्रोटेक्शन नहीं नवा व्यवस्था करी अब एसीबी मेडिकल डेस्टिच्यूट वार्ड मेडिसिन वार्ड आज हूँ अंतर्जातीय परिवेश दिवस ए दिवस को नियारा ढंग से पालन करिछंती वुड फेयर ऑनलाइन फूड डेलीवरी संस्था राजधानी फूड डेलीवरी संस्था वुड फेयर एक नियारा ढंग से दिवस को पालन कर देखते रिपोर्ट विश्व परिवेश दिवस रे अनेक लोक वृक्षरोपण करिबार संकल्प नहीं था राजधानी फूड डेलीवरी संस्था वुड फायर एक नियारा ढंग से दिवस को पालन कर आज दिन में यह वेबसाइट रु खाद्य मगाउथुवा व्यक्ति को संस्था पक्षर दि जाऊँगी एक पेन एक पेन रिछटा मंजी रही यहाँ निज घरे कि बाहर लगे सचेतनतार बार्ता दि जाऊँ अधिक रु अधिक वृक्ष काटा द्वारा परिवेश संतुलन ह्रास पाँच जड़े सचेतन नागरिक हिसाब से समस्त को गच्छ लगवाई वुड फायर मुख्य संतोष चौधरी कहते देखो मो बयस तो मुझे बहुत वर्ष है ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे देखी थी बट एबे जो ऑक्सीजन रा प्रॉब्लम होउची गछ कटा होउची एंड कोरोना बेले लोक माने प्रॉब्लम रे आसुचंदी तो लोक को ऑक्सीजन पई गछ लगेबा पई सचेतन करबा पई मो एई प्रयास स्टार्ट करिजी कि लोक माने कम से कम सचेतन होंतु निजो घरे किछि गछ लगांतु आमे वर्तमान दउचू कि से तांकर किचन गार्डन रे लगेला भलिया गछ टमाटो पियाज कंचा लंका ए भलिया सब मंजी आमे पेन रे पेन माध्यम रे तांकू दउचू ता भितर किछि मंजी रहूची सेमाने खाई सारला परे से डब्बा को न फोपाड़ी ता भितर किछि माटी देई से मंजी पोतिले तांकर किचन गार्डन रे भी कामे रे आसीबो विश्व परिवेश दिवस उपलक्षे वुड फायर रो एही प्रयास को स्वागत करिछंती एहर ग्राहक गच्छ लगेबार सचेतन बार्ता एक नियारा ढंग रे देउथबारु स्वागत जणाइछंती वुड फायर रो रेगुलर ग्राहक मनीष शर्मा कनसेप्ट निहाती बहुत भल रही जेहेतु मुँह भी एनवायरमेंट प्रति बहुत कन्सीयस अच्छी आ मुँह आगु भी बहुत गच्छ मो घर लगे तो यही जो इनिशिएटिवटा से मुझे बहुत एप्रिसीएट कैर यू आम गोटे किचन गार्डेन करने जहाँ भी आमको गोटे चान्स दौरान किचन गार्डेन हो कि बाहर भी किसी गच्छ आम लगे पार्बा स्पेशली पनीपरिया रिलेटेड से दौरान सेटा बहुत ही भल इनिशिएटिव वुड फायर तरफ
ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପାଳୁଛି ପରିବେଶ ଦିବସ। ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବାରବାଟୀ ଧଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।